वेलकम बैक टू माई चैनल। जैसे कि मैंने आपको थोड़े वीडियोस पहले बताया था व्हाट आई ईट इन अ डे वाले वीडियो में कि मैं कुछ दिनों में बीटरूट सैलड की रेसिपी पोस्ट करने वाली हूँ, वो फाइनली डे आ गया है और आज हम वो बनाने वाले हैं। सो इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स जो है वो हमें कर्ड चाहिए, बीटरूट चाहिए जो बॉइल्ड है और फिर हमने उसको ग्रेट करके बोल में निकाला है। एंड इस बोल में है सॉल्ट। सॉल्ट में मैंने सेंधा नमक यूज़ किया है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रॉक सॉल्ट। आप पिंक सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं और ब्लैक पेपर, दोनों को मिक्स कर दिया है मैंने। सो लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड और ये हम रेसिपी भी शुरू करते हैं बनाना। पहले हम एक बोल में एक बड़ा बोल कर्ड का डालेंगे। वैसे तो इसमें हंग कर्ड यूज करते हैं बट मैं नॉर्मल कर्ड भी यूज कर लेती हूँ, वो भी ज्यादा मतलब वो भी अच्छा ही लगता है। तो क्योंकि हंग कर्ड थोड़ा गाढ़ा हो जाता है बट नॉर्मल कर्ड में थोड़ा लिक्विडी रहता है तो वो अच्छा ही लगता है। फिर इसमें हम डालेंगे हमारे बॉइल्ड ग्रेटेड बीटरूट। ऐसे मुझे बीटरूट ज़्यादा पसंद नहीं है बट बॉइल किए में उसका टेस्ट नहीं आता है, सो खा लेते हैं हम। और अभी वो मेरा फेवरेट हो गया है। सो दिस इज डन। एंड इसके बाद हम डालेंगे इसमें जो ये मैंने सॉल्ट और ब्लैक पेपर का मिक्सचर था वो हम इसमें डाल देंगे। सो दिस इज डन। सो हमारे जो बेसिक मेन इंग्रेडिएंट्स थे वो हमने सब मिक्स कर दिए हैं। अब लास्ट और सबसे मेन इंग्रेडिएंट डालना बाकी है, वो है हमारा तड़का। तड़का जो बनाती हूँ मैं, उसमें मैं बेसिकली राई और कड़ी पत्ता का ही तड़का बनाती हूँ। एंड देन हम इसमें वो डाल देंगे, मिक्स कर देंगे और फिर हम खा सकते हैं हमारी सैलड। सो अभी चलते हैं और इसका तड़का बनाते हैं। सो तड़के के लिए बेसिकली मैं थोड़ा सा ऑयल यूज़ करती हूँ, आई गेस दैट्स इनफ। मतलब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाता है तो फिर मैं उसमें राई डालती हूँ, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मस्टर्ड सीड्स। सो बेसिकली मैं सबसे छोटी वाली सीड्स यूज़ करती हूँ क्योंकि वो खाने में पता नहीं चलता और मुझे राई बहुत पसंद है। सो उसकी आप क्वांटिटी भी देख सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की है। जैसे ही थोड़ा क्रैकल होना शुरू कर हो जाता है फिर मैं उसमें कड़ी पत्ता डाल देती हूँ। हमारा तड़का रेडी है, इसे बंद कर देते हैं और अब इसे हमारी सैलेड के ऊपर डालते हैं। तड़का डाल दिए है, अब हम इसे मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कितना प्रिटी पिंक कलर आ रहा है वो सैलेड में। यार ऐसे कलर की ड्रेस भी होनी चाहिए, मतलब होती है, मेरे पास नहीं आए, नीड टू बाय वन। बस दिन भर में कपड़ों के बारे में ही सोचती हूँ ऐसा लगता है। तो अब बारी है इसे टेस्ट करने की। सो आप देख सकते हैं तब पिंक कलर है और इसे हम टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। नाइस यार, बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोगों को पसंद नहीं आता ये बट मुझे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा ये। सो आई गिव इट अ बिग थम्स अप, मेरे लिए तो बहुत अच्छा थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।